अरे अरे अरे, आज तो ब्रेकफास्ट की पूरी प्लेट सजी है। हमारे लिए कभी एक ग्लास पानी भी लाए हो आप? प्लेट सजेगी क्यों नहीं भाई, हैप्पी एनिवर्सरी जो है आज। अच्छा, अब तुम दोनों उसके पीछे पड़ गए। हैप्पी एनिवर्सरी उत्कर्ष बेटा, एक साल हो गया, खुशखबरी कब सुना रहे हो? वाह, हमें मना करके खुद उसे परेशान कर रही हैं। अरे खुशखबरी मिल जाएगी, इतनी जल्दी भी क्या है। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू। चीयर्स। हैप्पी एनिवर्सरी श्वेता। बाहर सब इतने खुश हैं, मम्मी बीइंग मम्मी कहती है कि एक साल हो गया, खुशखबरी कब सुनाओगे? अरे श्वेता बेटा, आज भी ऑफिस? अरे आज तो काम रहने दो, कोई डिनर विनर का प्रोग्राम बनाते हैं क्यों? पापा एक्चुअली आज ऑफिस में जरूरी काम है, तो शाम में चलते हैं डिनर के लिए। गाइज आई हैव अ ग्रेट प्लान, डिनर करने खुबानी चलते हैं। आई गेट द टेबल रिजर्व। तुम्हें क्यों हर जगह साथ जाना होता है? अरे उनकी एनिवर्सरी, उन दोनों को जाने दो ना। अरे साथ चलते हैं ना, वो अलग टेबल पे बैठ जाएंगे। एक्चुअल में मुझे वहाँ का चिकन बहुत पसंद है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब साथ में होंगे ना सब लोग तो ज्यादा मजा आएगा। चलती हूँ मैं। हाँ ओके बेटा, बाय। ओ शिट, मुझे भी तो गुड़गांव जाना था यार, भाभी के साथ ही निकल जाती। पर तुम्हें अपने फोन से फुर्सत मिले तब तो तुम ठीक टाइम पर तैयार हो ना। मम्मी आपको इतनी दिक्कत है ना मेरे फोन से, बाय गॉड। वो तो है, अब फोन छोड़ो, तैयार हो जाओ। Ready to walk off from this marriage. मैं डाइवोर्स ले लूंगी, हो सकता है इसके बाद चीजें बेहतर हो। प्लीज थिंक अबाउट इट, इस शादी से कोई भी खुश नहीं है। आप सब रेडी नहीं हुए? डिनर पर नहीं चलना? ओ, आप हमारे साथ डिनर पे आ रहे हो? कैसी बातें कर रही हो, और किसके साथ जाऊंगी? नहीं, मेरे को लगा ना उसी लड़के के साथ जाओगे डिनर पे जिसके साथ आज लंच पे गए थे। भाभी वही लड़का जिसके लिए रेडी टू डाइवोर्स माय ब्रदर। मुस्कान बेटा, मुस्कान ने हमें आज कुछ बताया है बेटा। क्या ये बात सच है कि तुम किसी और लड़के से? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा था भाभी को उस लड़के के साथ लंच पे। और भाई आप भी चुप खड़े हो। डोंट यू गाइस बिलीव मी? मुस्कान, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो श्वेता तुम ही बता दो ना फिर, क्या बात है? माँ एक मिनट, मैं बात कर लूं। इन मी टॉक। See, I know there's nothing right in this marriage.
एंड अगर तुम्हें किसी को डेट करना है देन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बट यू कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल राइट फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा पूरा क्यों छुपाना है उत्कर्ष प्लीज अंडरस्टैंड यार एंड आई नो आई एम नॉट इन द पोजीशन बट कौन था वो लड़का इट वाज रोहन रोहन तुम रोहन से क्यों मिली बाय श्वेता उत्कर्ष आई कुडंट सी यू स्ट्रगल एनीमोर इसलिए रोहन से बात करने गई थी आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम तुम्हें अपनी फैमिली को सच बता देना चाहिए और अब जब इतना कुछ हो गया है तो अब क्या छुपाना उत्कर्ष कब तक ऐसे घुटघुट के जियोगे आई कांट डू दिस श्वेता आई कांट डू दिस आई कांट आई एम रेडी टू डू दिस फॉर यू फॉर अस आई रियली होप दैट यू फाइंड द करेज टू टेल योर पेरेंट्स द ट्रूथ समडे बट अभी के लिए Tell your parents that this marriage is not working, and isliye you need divorce. Shweta, जो भी बात है सच सच बताओ हमें क्या तुम बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी माँ हाँ माँ वो गई थी बॉयफ्रेंड से मिलने क्या मगर अपने नहीं मेरे बॉयफ्रेंड से तुम्हारे बॉयफ्रेंड ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग हाँ डैड आई हैव बीन विद रोहन फ्रॉम द पास्ट सिक्स मंथ्स मतलब उत्कर्ष हाँ माँ आई एम गे आपके प्रेशर में आके शादी तो कर ली बट आई कैन नेवर बी अ लाइफ पार्टनर टू श्वेता ये सब जानने के बावजूद शी ट्राइड एवरीथिंग टू मेक आवर मैरिज वर्क एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर डोंट थैंक मी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू उत्कर्ष अरे ऐसा थोड़ी है रिश्तेदार क्या सोचेंगे सोसाइटी में मजाक बन के रह जाओगे तुम लोग मजाक मजाक तो अब तक बना रखा था मैंने अपनी और श्वेता की लाइफ का तो आज जब मैंने देखा कि वो मेरे लिए अपनी लाइफ खराब करने जा रही है तो आई रियलाइज दैट दिस इज इट अब कोई मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया डैड ये सब फिल्मों में होता है कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा नहीं पापा मैं करूंगी भाई को सपोर्ट और मैं भी I'm so sorry, भाभी पर रोहन से आप कैसे मिले उत्कर्ष he wasn't ready to come out. तो मैंने सोचा कि मैं ही रोहन से बात कर लूँ And I told him that you know I will walk out of this marriage and take divorce. If this is what it takes for these guys to be together. श्वेता बेटा सबको तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिले मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैं कैसे रिएक्ट करूं क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ नया है पर पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं